नीचे का माहौल ऐसा देखो गाइस, ये रॉकी हमारा अच्छा है। रॉकी देखो गाइस, ये पानी फुल भरा हुआ है लगभग लगभग। ईंट भी पड़ी हुई है भैया, एक ईंट पड़ी हुई है गाइस अंदर, एक निकालूंगा अभी मैं, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिन्नू UK03 ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आई होप सब बढ़िया ही होंगे आप लोग, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी बढ़िया नहीं हूँ। मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम, इससे काफ़ी पेन हो रहा है मुझे गले में, और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ब्लॉग भी नहीं देखोगे आपने, मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। और सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जाऊँगा दवाई लेने, मेडिकल से दवाई लेके आऊँ, खांसी उसी की, जुकाम वुकाम की भी होता है, बहुत दर्द हो रहा है गाइस, जिससे मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ अपना, और काफ़ी दर्द हो रहा है गाइस मुझे। तो लेके आता हूँ दवाई और ऊपर देखता हूँ, गेहूँ सुखाने लगे थे, मम्मी ने गेहूँ धोए थे सुबह सुबह, कल धोए थे, कल तो पूरे दिन सूखे, फिर भी फिलहाल सूखे नहीं थे, वो थोड़े बहुत गीले रह गए थे, तो आज मम्मी ने ऊपर गेहूँ सुखा रखे थे, तो वो देखने जाऊँगा कि ऊपर बंदर उंदर या फिर कबूतर उबूतर तो नहीं लगे हुए उसमें, क्योंकि कबूतर उबूतर आते रहते ना गेहूँ के पास, आपको पता ही होगा, बंदर भी काफ़ी मुँह मार जाते हैं उसमें। अभी जाऊँगा, पहले दवाई लेके आता हूँ गाइस अपने लिए, और फिर ऊपर जाऊँगा छत में, थोड़ी देर धूप भी सेकूंगा और गेहूँ भी देखूंगा वहाँ पर क्या है, क्या सीन नहीं है, और गेहूँ में थोड़ा हाथ ही मार दूंगा थोक थोक का, ताकि जल्दी सूख जाए वो, पिसाने भी चले जाएंगे उसे, हम हाथ तो नहीं जाएंगे फिलहाल पिसाने, एक कल का दिन और लगाएंगे धूप उसको, फिर कल के दिन पिसवा देंगे उसको। आप ब्लॉग में बने रहना और देखना ब्लॉग में क्या सीन शॉट है अभी आगे। समय हो रहा है सुबह के 11:30 और मैं सुबह 7:30 बजे उठ गया था, मैं नहा धो लिया था 8 बजे तक, फिर नाश्ता वास्ता करा, अभी मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ और नीचे जाऊँगा आप सीधे। गाइस मैं चल दिया हूँ पीछे वाले किवाड़ से, अपनी पीछे वाले किवाड़ से निकलते हैं हम गाइस। तो गाइस हम पहुँच गए अपने घर, किवाड़ करते हैं बंद पीछे की। तो गाइस मैं दवाई ले आया हूँ अपनी, वही खांसी जुकाम के अलावा ज़्यादा वैसे नहीं है, हार्ड भी नहीं रहा हूँ, एक पीने वाले ले आया और एक सी गोली ले आया हूँ मैं, थोड़ा कवर हो जाएगा। और अभी चलता हूँ मैं ऊपर, दिखाता हूँ आपको गेहूँ का। गाइस आपको सामने जो सीढ़ी दिख रही है, इसी सीढ़ी से हमारा ऊपर जाना होगा, क्योंकि अभी हमारे घर में सीढ़ी बनी नहीं ऊपर जाने के लिए, पापा जब चले गए थे तब से ऐसी रहा माहौल, थोड़ा बहुत सेटिंग नहीं हो पाई, तब से सीढ़ी है बाँस वही लगा रखी हम लोगों ने, इससे ऊपर जाएंगे गाइस हम। तो गाइस चल रहे ऊपर अभी, चलो ये रखे गेहूँ गाइस, इसमें खाली हाथ मारना खाली बस। तो गाइस अभी हाथ मारता हूँ मैं गेहूँ में, अब मैं नीचे जाता हूँ कि काफ़ी धूप सेक ली है और जिससे मैं काला भी हो जाऊँगा थोड़ा बहुत, देख सकते हो आप, धूप बहुत तेज़ पड़ रही हूँ मैं तो मैं काला हो जाऊँगा मजाक कर रहा हूँ गाइस, जैसा हूँ वैसा रहूँगा मैं, खाली कहने की बात नहीं, काला पीला हो जाएगा ही। तो मैं जाऊँगा नीचे भी गाइस और नीचे देखते हैं कैसे इंसॉर्ट होता है, थोड़ी एडिटिंग करूँगा मैं। और ये हमारे ऊपर दो टंकियाँ हैं, छोटी एक बड़ी है, इसमें लगभग लगभग पानी फुल भरा हुआ है लगभग लगभग। ईंट भी पड़ी हुई है भैया, एक ईंट पड़ी हुई है गाइस अंदर, एक निकालूंगा अभी मैं, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, बंदर ने डाली होगी पक्का, ये बंदर ने पानी पीने के लिए खोला होगा, नीचे गंदगी भी काफ़ी हो रही गाइस, एक दिन सब सही करना पड़ेगा, ये टंकी साफ करनी पड़ेगी गाइस, एक दिन सब पूरी है, अभी देख रहा हूँ गाइस मैं, तो नज़र पड़ गई बड़े दिनों बाद, तो ऊपर आया हूँ मैं, टंकी तो फिलहाल फुल है, सो बंद करते हैं, इसमें लगाते हैं ईंट ताकि उड़े ना। ये छोटी टंकी का क्या हाल है, छोटी टंकी भी लगभग लगभग फुल है, इसको भर देंगे एक दिन 5-6 डब्बे पानी डाल के। तो अब चलते नीचे गाइस, तो गाइस गेहूँ तो हमने कर दिए सही, जाऊँगा नीचे, नीचे का माहौल ऐसा देखो गाइस, ये चप्पल रह गई गाइस, ये नीचे जाने का देखो गाइस, ये है मोस्ट डेंजरस, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है गाइस हमें तो, और होगा डर लगता होगा, लेकिन हमें तो इसकी आदत हो गई है स्पीड से चढ़ने की उतरने की, तब तक डर जैसा कुछ नहीं लगता इसमें गाइस। अब मैंने ये काबले चने रखे हैं ये भिगो के, शाम तक फूल जाएंगे, अभी तो कुछ नहीं है, शाम तक फूल जाएंगे ये, ये सब्जी आज इसकी बनेगी काबली चने की गाइस। तो गाइस मैं अपने ऊपर वाले कमरे में आ चुका हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, आज में उसको बदलवाया था हमने, लगभग लगभग 1 साल की गारंटी थी, गारंटी थी शायद उसमें,
चल नहीं, गारंटी या वारंटी पता नहीं, कुछ नहीं पता, भैया को बताया, वो जो भी उसी ने लाया था वही लाया था, खराब हो गया था वो एक साल के भीतर भीतर, यहाँ ले आया था ये, एक्सचेंज करवा के ले आया था ये डेल का, ये आराम से उन्होंने एक्सचेंज कर दिया और कोई मतलब झिझकबाजी नहीं करी बिल्कुल भी, आराम से एक्सचेंज कर लिया उसको, और ये फिलहाल सही चल रहा है, खोल के देख रहा था, फिलहाल मैंने नहीं खोला अभी तक इसको, अभी तक लगा हुआ इसमें टेप, मैंने नहीं खोल रखा अभी तक गाइस इसको, बड़े वाले भाई ने चेक करा होगा कि अपने आप मतलब कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक करा होगा उनने, फिलहाल मैं चला के देखूंगा अभी इसको, और मैंने अभी ओपन भी नहीं कर रखा गाइस इसे, तो अभी मैं ओपन करके देखूंगा इसको कि क्या सीन शॉट चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है ये। तो गाइस ये है अपना कीबोर्ड, पहले इसको ये से खोला हल्का सा, फिर टेप हल्के से छुटाई, ये हल्के टेप छुटा दिया इसका दोनों तरफ से, ये इसको खोलूँगा हल्का, ये खोला तो नीचे रखा है दिया गाइस, देख सकते हैं आप, मैं लैपटॉप तो ऑन करूँ, अपना लैपटॉप भी ऑन है मेरा, और ये कीबोर्ड रखा हुआ है गाइस, ये को निकालता हूँ गाइस पन्नी से, और गाइस ये माउस हो गया अपना छोटा सा माउस, चूहा, ये हमारा चूहा हो गया गाइस, इसको भी यहाँ रख दिया इसके ऊपर, और गाइस ये है पिन इसकी, जिससे इसको यूएसबी लगाते हैं, यूएसबी में डाल के इसको यूएसबी वाले फोल्डर में डालेंगे इसके साइड वाले में लैपटॉप के, ये दोनों इसमें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, कीबोर्ड भी और माउस भी दोनों, और चलाते हैं इसको आराम से अभी, देखो गाइस और कुछ तो नहीं फिलहाल इसमें निकाला होगा तो भैया ने निकाला होगा, ये उसका ये थोड़ी ये रखा हुआ है कागज़ जो उसका होता है, ये दिखाने के लिए, इससे पढ़ता कौन है गाइस, आजकल के ज़माने में इससे पढ़ता कौन है गाइस, मेरे समझ में नहीं आता, इसके ऊपर रख दिया डिब्बा, ये देख सकते हैं आप, इसको लगाऊंगा इधर, क्या सीन शॉट है, ये लग गया गाइस अब, कीबोर्ड को इधर और माउस को रखूँगा माउस पैड में, और हाँ एक गाइस माउस को इधर से भी तो खोलना रह गया मेरा, इधर से पहले ऑन करूँगा, ये ऑन हो गया गाइस, इसको इधर रख दिया, तो गाइस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ देख सकते हैं गाइस, कर्सर चल रहा है हमारा, और सामने फ्रंट में फोटो लगे भाई और हमारे पापा की, पासवर्ड डालूंगा गाइस मैं अपना, कीबोर्ड भी चलाऊंगा गाइस देख सकते हैं आप, देखो गाइस सामने पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा अपना मैं, ये गाइस ओपन हो गया है, और मैंने पहले काम कर रखा था इसके कीबोर्ड से, मुझे याद आया कि मेरे पास कीबोर्ड भी पड़ा हुआ है एक, और मम्मी की तैयारी चल रही है खाना बनाने की है, चावल धो रही है, और ये दाल बन चुकी है, मैंने कॉफ़ी बना दी मम्मी और अपने लिए, ये रखी कॉफ़ी, मम्मी को देके आऊँ कॉफ़ी गाइस, मम्मी कॉफ़ी पी रही है मम्मी, तो गाइस मम्मी चटनी पीस रही है, तो गाइस हम लोग अभी चले गए अमन भाई के साथ, तो इनको बिजली का बिल जमा कराने जाना था, तो इन्होंने मुझे आवाज़ मारी, मैं चल दिया, मैं रेडी था बिल जमा करने जा रहे हैं, थोड़ा पास में ही है गाइस घर से, तो हम लोग जा रहे थे, आएगा नज़ारा दिखाता हूँ आपको, तो गाइस बिजली घर नज़दीक आ गए हम लोग, वो सामने बिजली घर, और बैलेंस जमा करवा के आएंगे उसमें गाइस, और भीड़ कम लग रही है गाइस, जल्दी हो जाएगा 2-5-10 मिनट में, और अमन भाई के चेहरे में स्माइल आ गई, भीड़ बहुत कम है गाइस इधर, और मैं इधर बैठता हूँ गाइस थोड़ी देर, गाइस देखो कोई भी नहीं खड़ा है इस समय, तो गाइस सिर्फ 5 मिनट लगे हमको बिल जमा कराने में, ये रसीद दे दी हमें, रसीद दे दी और बिल जमा कराने में सिर्फ 5 मिनट, कोई भीड़ थी नहीं गाइस, और हम लोग आराम से जमा करवा के आ गए, मैं सीधे घर जाऊंगा, घर से निकलने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी गाइस, तबीयत खराब हो रही है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती, देखते हैं घर में मिलते हैं गाइस सीधे, तो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ आराम से, तो गाइस मैंने अपने खाना डाल दिया है, ये दाल चावल हो गए, ये चटनी हो गई, ये बोतल हो गई पानी की, खाता हूँ मैं इसको भी, तो गाइस मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं खा रहा हूँ मिठाई, इसे देखो मैं फिर ऊपर आ गया, ये हूँ मैं हाथ मारने के लिए, रॉकी ले रॉकी, खेला भी रॉकी के साथ, ये रॉकी हमारा अच्छा है, रॉकी देखो गाइस ये रॉकी हमारा सीधा साधा रॉकी है, ये हमने खेल लिया रॉकी के साथ, ये गया बेचारा ये भी, और हम भी थक गए हैं, तो गाइस बज गए हैं शाम के 4:30, मैं चाय बनाता हूँ, तब तक गाइस चाय बन रही है, तब तक मैं ऊपर गेहूँ फिनिश करके आता हूँ, अच्छे संभाल के आता हूँ गेहूँ को, तो गाइस ये चाय हमारी रेडी हो गई है, एक मम्मी को दूंगा, एक मैं चाय पीऊँगा, और ऊपर गेहूँ की सेटिंग में कर आया हूँ, तो चाय पीते हैं हम लोग, तो गाइस ये सब्जी मम्मी ने पकाने के लिए रख रखी है, तो सब्जी पक रही है अभी, ये बता दें मैंने गाइस आपको, आज चने की सब्जी बनेगी, कावली चने की, तो वो सब्जी बन रही है गाइस, तो मिला दे रहा हूँ मैं, मम्मी भी आ रही है, मम्मी कुछ काम से गई है बाहर,
वो आएगी अपने आप सेटिंग कर लेगी इसकी। तो फिलहाल मैं भी ऐसे रख दे रहा हूँ, रख देता हूँ गाइस इसको मैं। गाइस समय हो रहा है अभी 7:50 और अभी आपने देखा होगा सब्जी पक रही है, मम्मी कोई काम से बाहर गई है और अभी आके रोटी बनाएगी वो, फिर मैं खाऊंगा रोटी वोटी और खा के फिर सो जाऊंगा क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है गाइस, गले में दर्द हो रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ मैं, आप आवाज़ से पहचान रहे होंगे, और जुकाम भी काफ़ी हो रहा है गाइस। तो अभी मैं खाना पीना खाऊंगा और सो जाऊंगा गाइस मैं, ओके, और बोलने की हिम्मत बची नहीं मेरे अंदर। आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, प्यार देते रहो गाइस आप लोग। तब तक के लिए गुड नाइट एंड ख्याल रखना आप लोग अपना, बाय।